morning, good afternoon and good evening. Welcome to another exciting episode of Arise and Shine. I hope aap sab theek hain. You are under the protection of the Lord aur hamari dua hai ki aap is program se zyada seekhein because we are doing an English language course aur hamari koshish hai ki aap isse jitna zyada seekh sakte hain seekhein. Main hamesha kehti hu, aapne hamare promo mein bhi suna hoga that education has no age. किसी भी आप एज में हो, इफ़ यू आर सेल्फ डिटर्मिंड, आप इस चीज़ का इरादा कर लेते हैं दैट आई हैव टू डू इट एंड यू वर्क हार्ड, यू ट्रस्ट गॉड, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देन यू कैन डू इट. हम क्योंकि लैंग्वेज कोर्स करा रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट ईजी ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. और मैं हमेशा बताती हूँ कि जो नोट्स मैं यहाँ देती हूँ स्टूडेंट्स को भी, वो यहाँ अवेलेबल भी होंगे. अगर आप लेना चाहें तो यू कैन कॉल इन दी ऑफिस एंड टेक दीज नोट्स. नंबर्स नीचे स्क्रीन पर आ रहे होते हैं तो प्लीज़ उन पर आप कॉल करके अगर आप नोट्स लेना चाहें तो आपको मिल सकते हैं. हमने शुरू किया था फोनिक्स से, अब फिर हम लोगों ने वापस बात की फोनिक्स के बाद हम लोगों ने शुरू किए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिस पर हम अभी हैं. दिस इज़ आर सेकंड पोर्शन ऑफ लैंग्वेज कोर्स. तो उसमें हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, हमने नाउन से शुरू किया था और अभी हम नाउन की टाइप्स पढ़ कर रहे हैं. लेकिन उसके साथ साथ हम आपको जनरल चीज़ें भी जो लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होती हैं, जिस तरह हमने बात की थी कि ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. और मैं अपनी हमेशा एपिसोड में ये तीनों ग्रीटिंग्स आपको देती हूँ बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली किस जगह पर और कौन से टाइम पे आप हमें देख रहे हैं. सो आई मेक श्योर कि आपको हम इसलिए ये बोलते हैं गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, दैट यू वुड सीम, यू विल फील इन्वॉल्व्ड इन दिस सेशंस जो हम लेते हैं. ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, क्योंकि हम लोग अभी नाउन्स की टाइप पर ही हैं, होपफुली आज हम ख़त्म करेंगे. और लास्ट एपिसोड्स में हम लोगों ने डेज की बात की थी कि वन वीक के अंदर 7 डेज होते हैं. बिफोर आई स्टार्ट विद नाउन, आज हम ईयर की बात करेंगे. वन ईयर मीन एक साल, यानी जब आप इंग्लिश में लिखते हैं ईयर, ईयर कहते हैं साल को. एक साल है तो वन ईयर, दो साल है तो टू ईयर्स, टू ईयर्स, वन ईयर्स, थ्री ईयर्स, फोर ईयर्स. ईयर का मतलब है साल. और एक साल के अंदर अगर हम वन ईयर की बात करें, वन ईयर हैज़ 12 मंथ्स. मंथ्स क्या हैं? गुड, एक मंथ, एक महीना. ठीक है, उर्दू में तो आप जानते ही होंगे लेकिन क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपको वो भी पता हो. मंथ मीन्स महीना, जिसको आप बोलते हैं. और 12 महीने होते हैं एक साल में. सो आज हम शुरू करने से पहले, बिफोर वी गो टू नाउन्स, मैं पहले आपको ये बताऊंगी, देन वी विल स्टार्ट विद आवर नाउन्स. अब 12 महीने हैं तो पहला मंथ क्या होता है? जनवरी. उर्दू में भी आप जनवरी बोलते हैं, ये आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं विल हेल्प मी आउट और मैं इंग्लिश में लिखती जाऊँगी. पहला मैंने लिखा था जनवरी. ये अगर आप लिखा हुआ देखें प्लीज़ परेशान ना होइए, दिस इज़ आर. ओके, जनवरी. सेकंड इज फेब्रुअरी, फेब्रुअरी. देन थर्ड इज मार्च. फर्स्ट मंथ को जनवरी कहते हैं, सेकंड इन इंग्लिश इज कॉल्ड फेब्रुअरी. देन मार्च. फोर्थ इज अप्रैल. फिफ्थ इज मई, यू कॉल इट मई. देन सिक्स जून. सेवन जुलाई. देन एट ऑगस्ट. ऑगस्ट. देन सेप्टेम्बर. And 10 October. अभी ज़रा 10 करते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ. आप ऑलरेडी फोनिक्स हम आपको करा चुके हैं, यू नो द लेटर साउंड्स, तो हम उसी के साथ इनको दोबारा से प्रोनाउंस करेंगे ताकि आप सुन लें कि इंग्लिश में उन्हें कैसे प्रोनाउंस करते हैं. दिस इज जे ए एन जैन, यू ए आर वाई वरी. सो जनवरी, अब आप मेरे पीछे बोलेंगे, पहले मैं बोलती फिर आप. जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर. अब रिमेंबर, ये आप उर्दू में नहीं बोल रहे, इंग्लिश में बोल रहे हो, तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? टी साउंड इज ट. सितंबर,
सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, चलें दोबारा बोलते हैं, अगस्त से, अगस्त, थोड़ा सा ऊंची, अगस्त, एस ई पी इज सेप, ओके, टी ई एम टेम, सेप टेम, बी ई आर बर, सेप्टेम्बर, थोड़ा इजी हुआ, चलो दोबारा करते हैं, एस ई पी इज सेप, फिर इसके बाद क्या है, टी ई एम टेम, बी ई आर बर, सेप्टेम्बर। अगर आपको बहुत कोई ऐसा वर्ड हो जो बहुत बड़ा है और आपको लग रहा है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने शुरू में इन क्लासेस के जब हमने शुरू किए हैं आपको फोनिक्स करवाई हैं, तो आप जब उनको प्रोनाउंस करें, और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि इफ़ यू सी एनी वर्ड विच इज़ क्वाइट लॉन्ग और क्वाइट बिग, तो आपको लगता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, वट यू कैन डू इज़ कि आप उसको ब्रेक कर लें, जैसे हम कर रहे हैं, एस ई पी सेप, टी ई एम टेम, बी ई आर बर, सेप्टेम्बर, ओके, आप चलो बोलो, सेप्टेम्बर, बेटर, October, O-C-T is oct, O-B-E-R, over, October, October, क्योंकि T और O भी है ना, October, October, दोबारा बोलें अब, October, चलो मेरे साथ बोलना है आपने, 1, 2, 3, October, दोबारा करते हैं, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. T की आवाज़ ट है, ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग October, ओके, ये तो हो गए 10, लेट्स गो फर्दर, 10 के बाद 11, दैट इज November, 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 November को आप N O V है, November, 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 okay? Then 12, December, December. Sub majority mein B-E-R toh bur, that's the voice, bur, okay? November, try to speak with me. Pehle main bolti hun, phir aap boliyega. November, December. Dobara. November, December. थोड़े से उर्दू से ही मिलते जुलते हैं, बट लाइक इंग्लिश में थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन फ़र्क है, बिकॉज यू सी द इंग्लिश लैंग्वेज द लेटर साउंड्स और दीज फोनिक्स दैट वी हैव टॉट यू, उनकी साउंड्स थोड़ी सी फ़र्क है। अब जिस तरह उर्दू में कोई मुझे बताएगा तो कैसे बोलते हो आप दिसंबर कहते हैं, दिसंबर, ठीक है, और हम इंग्लिश में उसको दिसंबर, ड साउंड, डी साउंड इज ड, क्योंकि हमने ये वॉइस किए थी जब हम फोनिक्स करा रहे थे आपको, तो मतलब उर्दू में तो हम दाल होता है दिसंबर, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम उसको ऐसे नहीं बोलते, इंग्लिश में कहते हैं डिसम्बर, ड साउंड, डिसम्बर, नवम्बर, इज इट क्लियर? अच्छा, क्योंकि हम नाउन्स की टाइप्स पढ़ रहे थे तो हमने जहाँ स्टॉप किया था लास्ट टाइम, क्योंकि नाउन्स की टाइप्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी कलेक्टिव नाउन पे, यहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं थ्रू दी एपिसोड्स, बिकॉज हम नाउन्स की टाइप्स करें, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि हम क्योंकि डिफरेंट टाइप्स करेंगे, नाउन होता क्या है, व्हाट इज़ अ नाउन, इट्स जस्ट अ लिटिल रिवीजन, इट मींस इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एन आइडिया, आइडिया से क्या मतलब है, कोई फीलिंग लाइक ऑनेस्टी और एक्साइटमेंट, अमेजमेंट, प्रॉस्पेरिटी, इस तरह की चीज़ें एक्साइटमेंट कहलाती है, यानी कोई फीलिंग। हमने डिफरेंट टाइप्स की, उसमें हमने प्रॉपर नाउन किया, कॉमन नाउन किया, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स किए, अब हम और टाइप्स उसकी कर रहे हैं, वी ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड, हमने जहाँ लास्ट टाइम स्टॉप किया था दैट वाज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाम जो वैसे सिंगुलर लिखा जाता है लेकिन उसमें एक ग्रुप आता है, ग्रुप का मतलब ये है, जैसे मैं कहती हूँ आर्मी, जहाँ हमने कल एग्जाम्पल दी थी आपको लास्ट टाइम भी, इस वर्ड आर्मी का मतलब ये है कि इसमें एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, काफ़ी सारे सोल्जर्स मिलके एक आर्मी कहलाते हैं, दिस वर्ड कैरीज अ ग्रुप ऑफ पीपल, बिग ग्रुप। इसी तरह अगर मैं वर्ड बोलती हूँ पीपल, जिनको आप उर्दू में लोग कहते हैं, लोग का जब कोई उर्दू में वर्ड कहता है काफ़ी सारे लोग थे वहाँ, लोग, अब आपको इससे पता चल जाता है कि ये काफ़ी बड़े नंबर की बात हो रही है, या कहते चार पांच लोग तो थे या तीन चार तो थे, मतलब इससे आपको ये पता चलता है किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही, ज़्यादा की हो रही है। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है कि कोई ऐसा वर्ड जो हम लिखते हैं एज सिंगुलर, लेकिन उसके अंदर जो वर्ड है इट कैरीज नंबर ऑफ पीपल, यानी इसमें काफ़ी सारा बड़ा ग्रुप होता है लोगों का, तो उसको, उस नाउन को, उस नेम को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एक वर्ड है ज्यूरी,
यहाँ अभी होती है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन बाहर तो डेफिनेटली होती है. जूरी का मतलब क्या है, जब कोई केस हो रहा होता है तो बाहर स्पेसिफिकली एक 12-13 पीपल का, मोस्टली 12 लोगों का एक पैनल बैठा होता है. दैट डिपेंड्स ऑन द हियरिंग जो हो रही है बाहर, क्योंकि यहाँ पर भी आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि जूरी होती है कि नहीं, लेकिन बाहर तो मस्ट होती है. उनकी जो हियरिंग्स होती हैं कोर्ट के अंदर, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो डिसीजन लेने में उनकी वोटिंग की जाती है. और जब कोई जज ने वर्डिक्ट देना होता है, वर्डिक्ट मीन अ जजमेंट जो देनी होती है, उससे पहले वो जूरी से कंसल्ट करता है उनकी आपस में वोटिंग. दीज आर 12 पीपल जो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़े एजुकेटेड होते हैं, दे आर, दे हैव स्टडीड लॉ एंड दे सिट देयर, दे हियर द होल केस. और फिर वो जूरी एक ग्रुप है लोगों का, ठीक है. तो जूरी का जो वर्ड है ये वहाँ कोर्ट में बैठते हैं. आई डोंट थिंक देर इज़ अ ट्रेंड हियर, लेकिन बाहर तो ये है डेफिनेटली, वहाँ जूरी होती है. तो ये जो जूरी है, ये वर्ड देखें सिंगुलर, इसमें कहीं एस ई एस नहीं दिख रहा आपको, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये दिस इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल जो कोर्ट में बैठते हैं. जब भी कोई वर्ड जूरी बोलता है तो इसका मतलब, अच्छा, ये उन लोगों की बात हो रही है जो कोर्ट में बैठे हुए हैं. 12 लोगों का ग्रुप है ये, तो ये बैठे हुए, डिपेंड करता है ग्रुप का नंबर कैसे होता है, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं उनकी कोर्ट वाले. तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, दे आर सिटिंग इन द कोर्ट स्पेसिफिकली, और ये डिसीजन लेने में या हेल्प करते हैं जज को, एंड दे आर सिटिंग देयर एंड लिसनिंग द होल केस. तो ये वर्ड भी कलेक्टिव नाउन क्यों है, कि मैंने कहा इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में वो सारे लोग आते हैं जिनमें हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल. जब एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है और वो कोई नेम आप उन्हें देते हैं तो आप उसको बोलते हैं ज्यूरी. इसके अलावा टीम, क्रिकेट टीम हो सकती है, फुटबॉल टीम हो सकती है. जैसे मैं बोलती हूँ ये क्रिकेट की टीम है, क्या चीज़ आपके माइंड में आती है, ग्रुप ऑफ हाउ मेनी पीपल, क्रिकेट की टीम के कितने लोग होते हैं, 11 या 12, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं देखती, आपको पता होगा. सो 11 होते हैं या 12 होते हैं. सो दैट इज़ अगेन मोर देन वन नंबर. सो ये भी जब टीम का वर्ड यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब, दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन. एंड वाई अ कलेक्टिव नाउन, बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ 11 और 12 प्लेयर्स जिन्होंने खेलना है. तो अगर कोई बात करेगा जी ये क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है या बास्केटबॉल टीम है, तो आपको ये पता होगा किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, ये ज़्यादा सारे लोगों का ग्रुप है. सो दिस इज़ कॉल्ड टीम. तो जो वर्ड टीम है, TEAM is actually a collective noun, यानी कि ये वो noun है जिसमें, मतलब नेम है जिसमें सारे लोगों का ग्रुप, यानी जो रिलेटेड हैं उस, अगर फुटबॉल टीम है तो जो फुटबॉल खेलने से रिलेटेड हैं, जो सॉकर भी आप उसे कहते हैं फुटबॉल को, और अगर क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनकी सारी टीम. तो टीम का मतलब ही है, सिर्फ अगर मैं बात करती हूँ कि वी आर गोइंग टू वर्क एज अ टीम, मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देती हूँ और मैं कहती हूँ जी ये 8-10 लोग हैं, ये मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे, वट डू यू अंडरस्टैंड, यानी ये सारे मिलके एक ही वर्क करना है, बट एक टीम ने करना है मिलकर, टुगेदर इन अ ग्रुप, सो वी कॉल इट टीम. इस तरह के जो वर्ड्स हैं या नेम्स हम लेते हैं, दे आर कॉल्ड ऑल कलेक्टिव नाउन. जो नेक्स्ट टाइप है नाउन की, दैट इज़ कंपाउंड नाउन. इसके बारे में जब हम सिंगुलर प्लूरल नाउन में बात कर रहे थे तो थोड़ी बहुत बात हमने तब भी की थी कंपाउंड नाउन्स के बारे में, यानी दो नाउन्स मिलकर एक वर्ड बनता है. यानी कि दो नाउन्स हैं, यानी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, में एक वर्ड तो नहीं कहूँगी, सॉरी, आई शुड से टू वर्ड्स टुगेदर, यानी दो वर्ड्स हैं और दोनों ही नाउन्स हैं. कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं? कंपाउंड नाउन्स होते हैं जब दो नाउन्स मिलकर आपको एक टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिलता है. मसलन मेल बॉक्स, जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको ये वर्ड बहुत अच्छे से पता होगा, यानी कि मेल बॉक्स. मेल बॉक्स यानी आपकी मेल के अंदर, यानी जो भी बाहर भी जिस तरह लगे, यहाँ तो मैंने देखा नहीं वैसे ज़्यादा, लेकिन उनका जिन लोगों के घर होते हैं उनके बाहर में एक बॉक्स लगा होता है, तो अगर उनको कोई ख़त आता है, रिटर्न लेटर आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं ईमेल की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज नाउ आई नो इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड एंड एवरीबडी यूज़ ईमेल्स, आई नो दैट, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट मेल बॉक्स, मेल बॉक्स का मतलब ये कि जिन लोगों के घरों में बाहर एक बॉक्स होता है, तो अगर उनको कोई लिखकर कोई लेटर आता है तो वो मेल जो होती है वो उस बॉक्स में रख दी जाती है, उसको बोलते हैं मेल बॉक्स. बाहर तो ये बहुत ट्रेंड है, जिन लोगों के घर जब भी घर होते हैं उनके बाहर एक बॉक्स लगा होता है, तो वो जो पोस्टमैन होता है वो आता है और वो आके लेटर उसमें डाल के चला जाता है. यू डोंट हैव टू कॉल एनीवन और दे डोंट कम एंड नॉक योर डोर्स, दे जस्ट पुट द लेटर्स इनसाइड, वो यानी उस बॉक्स में रख देते हैं, तो आप उससे बॉक्स से निकाल कर आप यूज़ करते, आप मतलब लेटर अपना ले लेते हैं. यहाँ पे ऐसा जैसा ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे तो मोस्टली जो पोस्टमैन आता है वो नॉक करता है फिर आपसे रिसीविंग लेता है, जो यहाँ पर ट्रेंड है. तो ये मेल बॉक्स बेसिकली उस मेल बॉक्स का नाम है जिसके अंदर
ख़त डाल दिए जाते हैं, यानी अगर आपके एड्रेस पे कोई ख़त आएगा तो जो आपका जो घर है बाहर, मोस्टली इन अब्रॉड कंट्रीज़, वहाँ पे यही होता है कि वहाँ बाहर बॉक्स लगा होता है, तो उसके अंदर वो लेटर डाल के पोस्टमैन चला जाएगा, उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। अब यू सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, मेल एंड बॉक्स दोनों नाउन हैं और मिलके ये एक वर्ड बना रहे हैं, एक्चुअली दो नाउन्स हैं, तो ये उनका कॉम्बिनेशन है जो क्या कहला रहा है, कंपाउंड नाउन, यानी कंपाउंड नाउन दो नाउन से मिलकर बनता है। दूसरी एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, स्नोबॉल। किसी को पता है स्नोबॉल क्या है? स्नो का पता है, बर्फ़ को कहते हैं, गुड। और लोग उसके बॉल बनाते हैं बड़े शौक से, लोग उसे खेलते भी हैं, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। स्नोबॉल का मतलब ये है कि जो स्नो है यानी जो बर्फ़ है उसका बॉल। अब यू सी स्नो इज़ अ नाउन इट सेल्फ, बॉल इज ऑल्सो अ नाउन। तो ये जो स्नो बॉल का वर्ड है, यानी उस बर्फ़ का जो बॉल बना के लोग मोस्टली खेलते हैं ना, इट्स अ स्नो बॉल गेम होती है, तो वो बॉल जो बन रहा है वो स्नो का बना रहे हैं, यानी बर्फ़ का बना रहे हैं। तो बॉल भी नाउन है और स्नो भी नाउन है, दोनों को मिलके एक वर्ड बन रहा है स्नो बॉल, एक्चुअली अ कंपाउंड नाउन, बिकॉज इसमें दोनों नाउन्स मिलके वर्ड बना रहे हैं। ओके, द अदर थिंग, सिस्टर इन लॉ, ये हमने सिंगुलर प्लूरल में भी ये वर्ड यूज़ किया था, और तब भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि ये जैसे जिस तरह ये एक नाउन है, ये अलग से नाउन है, ये मिलकर एक वर्ड बन रहा है, जैसे सिस्टर इन लॉ, हम कहते हैं दिस इज़ माई सिस्टर इन लॉ, यानी नंद को कहा जा सकता है। इस जो इन लॉज होते हैं, यानी जो भी ससुराल के लोग होते हैं, उनको हम इन लॉज के साथ वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमने फादर इन लॉ कहा था। अगर आपने हमारी सिंगुलर प्लूरल नाउन की एपिसोड देखी हैं तो उसमें भी टॉक्ड मच इन डिटेल अबाउट देम, क्योंकि हमने ये कंपाउंड नाउन की तो नहीं, हमने रूल्स पढ़े थे कि अगर इसको आपने प्लूरल में चेंज करना, तो हमने कहा था सिस्टर्स की, सिस्टर क्या हो जाएगी, सिस्टर्स, ये वर्ड चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ एस लगेगा। ये हमने रूल तब किए थे उन एपिसोड्स में जब हम बात कर रहे थे सिंगुलर प्लूरल नाउन की। लेकिन इस तरह के जो वर्ड्स हैं, यानी सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, वो सारे कंपाउंड नाउन्स में आते हैं, क्योंकि कंपाउंड नाउन एक कॉम्बिनेशन है, उसमें दो नाउन्स मिलकर आपको एक वर्ड देते हैं। ठीक है, लग तो एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ टू थ्री वर्ड्स, क्योंकि ये एक वर्ड है, ये है, ये है, तीनों को मिलके एक नाउन बन रहा है, विच इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन। यहाँ पे भी दो नाउन थे, मिलके आपको मेल बॉक्स वर्ड मिल रहा है। इसी तरह स्नो बॉल एक वर्ड है, साथ ही लिखा जा रहा है एक वर्ड, लेकिन एक्चुअली इट्स मेड विद टू नाउन्स। नाउन्स क्या हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। पर्सन का नाम हमने बात की थी, प्रॉपर नाउन है तो वो एक पर्सन की बात हो, जिस तरह माई नेम इज़ कंवल, कंवल इज़ अ स्पेसिफिक नेम फॉर मी ओनली, कोई बात करेगा तो आपको पता होगा अच्छी मेरी बात हो रही है। इसी तरह स्टीव इज़ अ स्पेसिफिक नेम, इस तरह ऑस्ट्रेलिया इज़ अ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूँगी तो क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली एपिसोड में, आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल रिविजन ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि हमने बात की थी कॉमन नाउन का मतलब है कि जब सबकी बात की जाए, यानी आप किसी स्पेसिफिक यानी किसी खास पर्सन या खास जगह की बात ना करें, आप कहें दिस इज़ अ कंट्री, कंट्री कोई भी हो सकती है, कोई भी मुल्क हो सकता है। ठीक है, ओके, इतना हम करते हैं और आज थोड़ी सी रिवीजन कर लें। हमने शुरू किया था नेम्स ऑफ मंथ्स, एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट? तो जो आप हमें देख रहे हैं उनके लिए भी लेट्स डू अ लिटिल रिवीजन कि एक वन ईयर हैज़ 12 मंथ्स, एक मंथ जो है दैट मीन्स महीना, और एक साल जो है दैट इज़ वन ईयर, उसके अंदर आपके पास कितने एक ईयर में कितने मंथ्स हैं, 12, स्टार्टिंग विद फर्स्ट मंथ जनवरी, फेबरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये नेम्स हमने किए। एंड देन उसके बाद मंथ्स के बाद हमने बात की कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट्स अ नाउन जिसमें एक वर्ड होता है विच इज़ एक्चुअली अ सिंगुलर, उसको एज प्लूरल आप यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ कोई एस और ई एस नहीं लगाते क्योंकि वो डिपिक्ट करता है काफ़ी सारे लोगों को उसी वर्ड में, इट हैज़ अ मीनिंग ऑफ मैनी पीपल टुगेदर। जैसे हमने बात की थी आर्मी, आर्मी का मतलब है काफ़ी सारे सोल्जर्स, जो सिपाही होते हैं मिलकर एक आर्मी बनती है, सो आर्मी मीन्स मैनी सोल्जर्स टुगेदर मेक एन आर्मी। इसी तरह हमने ज्यूरी की बात की, जो हम एग्जाम्पल, ये सारे क्या हैं, दीज आर कलेक्टिव नाउन। टीम, फुटबॉल टीम या क्रिकेट टीम, इट मीन्स 11-12 लोगों का क्या है, एक ग्रुप है जो उन्होंने खेलना है, अगर वो क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है तो टीम, ये जो वर्ड है टीम, द वर्ड ज्यूरी और द वर्ड हम बात कर रहे हैं जितने भी इस तरह के ग्रुप में आते हैं वर्ड्स, चाहे वो टीम हो या ज्यूरी हो, ये सारे वर्ड किसको, या आर्मी हो, ये सारे किसको डिपिक्ट कर रहे होते हैं, दे आर शोइंग यू दैट दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन। ओके,
उसके बाद हमने बात की कंपाउंड नाउंस की. कंपाउंड नाउंस वो होते हैं जिसमें दो नाउंस मिल के आपको एक वर्ड दे रहे होते हैं, यानी होते हैं वो दोनों नाउंस हैं बट दे कम टुगेदर ताकि आपको एक नाम मिलता है, उसको आप नाउन बोलते हैं कंपाउंड. कंपाउंड क्योंकि दो नाम हैं और वो दोनों नाम मिलके एक वर्ड बना रहे हैं. जैसे मेल बॉक्स, मेल इज़ अ नाउन, बॉक्स इज़ अ नाउन, और ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर खत डाले जाते हैं, सो इट इज़ अ मेल बॉक्स एंड दिस इज़ अ कंपाउंड नाउन. ये सारे कंपाउंड नाउन्स हैं क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा मतलब दो वर्ड्स हैं और ये दो नाउन्स मिलके कंपाउंड नाउन बना रहे हैं. स्नो बॉल, स्नो इज़ अ नाउन, बॉल इज़ अ नाउन. सिस्टर इन लॉ, अब सिस्टर एंड लॉ ये दोनों सेपरेट वर्ड्स हैं और हमने इनको कंबाइन करके कंपाउंड नाउन मिलाया है, तो इसके बाद फादर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ हो, दिस इज़ व्हाट, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब कंपाउंड नाउन्स हैं. ओके, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे पजेसिव नाउन. क्योंकि हम हर एपिसोड के एंड में आपको बताते हैं कि क्योंकि हम लोग बाइबल की बुक्स के नेम्स भी कर रहे हैं, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, लेकिन आगे के बाइबल की बुक्स के नेम्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिकॉज़ वी वांट कि आपको ये नेम्स पता हों. क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप किसी को सुन रहे होते हैं तो लोग इंग्लिश में भी बाइबल बुक्स के नेम्स बोलते हैं. हमने शुरू किया था जेनेसिस से, अभी हम ओल्ड टेस्टामेंट पे. हमने कहा था कि बाइबल के अंदर दो टेस्टामेंट, इसको अहदनामा कहते हैं. दी ओल्ड टेस्टामेंट इज़ द पुराना अहदनामा, न्यू टेस्टामेंट इज़ नया अहदनामा. तो हम ओल्ड टेस्टामेंट की बुक्स कर रहे थे, तो पहली बुक हमने शुरू की थी किससे, जेनेसिस. उर्दू में क्या है वो, गुड. जेनेसिस के बाद क्या थी बुक, एक्सोडस, गुड, बिकॉज एक्सोडस उर्दू में क्या था, खरूज, यस. देन एहबार की बुक थी एंड दैट इज़ इन इंग्लिश लेविटिकस. उसके बाद इस तशना की किताब थी, जी कौन सी थी, सॉरी नंबर्स, उर्दू में बताते जाओ, मैं इंग्लिश बता रही, नंबर्स था, गुड. उसके बाद इस तशना था विच इज़ ड्यूट्रॉनमी, ठीक है. और उसके बाद हमने आगे कौन कौन सी बुक्स की थी, कौन, जोशुआ, ओके, जजेस, राइट, रूथ, ओके, रूथ को तो हम आर यू टी एच रूथ बोलते हैं, फर्स्ट सैमुअल, सेकंड सैमुअल, देन फर्स्ट किंग्स, सेकंड किंग, बिकॉज सलातीन को आप कहते हैं फर्स्ट किंग्स, दूसरा सलातीन क्या है, सेकंड किंग्स, एंड देन तवारीख वाज क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स एंड सेकंड क्रॉनिकल्स. उसके बाद हमने किया था एज़रा, ओके, एज़रा के बाद था नहमाया, यहाँ हमने एंड किया था. अब मुझे बताएं नहमाया के बाद कौन सी बुक आ रही है, यस, सो इन इंग्लिश वी राइटेड ई एस टी एच ई आर, जिनको ये ई समझ नहीं आ रहा उनके लिए ये लिख देते हैं. इंग्लिश में हम उर्दू में तो आस्तर बोलते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो हम ई एस टी एच ई आर लिखते हैं, तो एस्टर इन इंग्लिश में वी प्रोनाउंस इट एस्टर, क्योंकि टी एच है, क्योंकि ई एस टी ई टी एच ई आर, दिस इज़ एस्टर. और एस्टर के बाद कौन सी बुक आ रही है, आई ड्रॉ, दिस इज़ जॉब. अयूब की बुक को इंग्लिश में जॉब कहते हैं. एक तो वो जॉब है ना जिस पे आप जाते हैं, ये वो जॉब नहीं है, जिस काम की बात करें अगर हम, तो दैट्स नॉट दैट जॉब. बाइबल में जो बुक्स है जॉब, ये अयूब की किताब को कहा जाता है जॉब. तो पहले कौन सी आ रही है, एस्टर. मैंने कहा ई चेंज ही कर दूं कि आप ये ना सोचें मैंने क्या लिख दिया. ओके, एस्टर के बाद जॉब, जॉब के बाद क्या आ रहा है, साम, यस साम. अब प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, अब मैं इसको पी को साइलेंट रख रही हूँ, देखिए मैं क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ, साम. पी की आवाज़ नहीं आ रही, पी की साउंड क्या थी, प, पेट, पॉट, राइट. मैं वो नहीं प्रोनाउंस करी, मैं साम बोल रही हूँ इसको. इसका मतलब पी क्या है, पी साइलेंट. ये हमने फोनिक्स में बात की थी कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जब आप यू ब्लेंड द वर्ड्स, यू ब्लेंड द लेटर्स, तो जब लेटर्स को आप, दिस इज़ ब्लेंडिंग, यानी जब आप लेटर्स को जॉइन करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्लेंडिंग. तो उस ब्लेंडिंग के अंदर कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट हो जाते हैं. अब यहाँ इस वर्ड में, ये ज़बूर की किताब को हम कहते हैं साम, सो आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग साम, मैं पी तो नहीं कह रही, आई एम नॉट यूजिंग द साउंड ऑफ प, मैं कह रही हूँ साम. सो दैट मीन्स कि यहाँ पी जो है वो क्या है, साइलेंट है, तो इसलिए प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं हम, साम. एस्टर में तो कोई भी चीज़ साइलेंट नहीं है,
Esther, Ther, Ther, Esther. Job, J-O-A-B-B, Job. P-S-A-L-M is Psalm, Psalm. अब यहाँ पे क्या साइलेंट है? P. यहाँ कुछ साइलेंट नहीं था. तो ये वाली किताब है, उर्दू में आप इसे क्या कहते हैं? अस्तर, ओके. जॉब अयूब एंड साम इज जबूर की किताब है, ओके. लेट्स स्टॉप हेयर. प्लीज़ डू कीप रिवाइजिंग, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं, और मैं हमेशा बताती हूँ कि जो हम नोट्स जहाँ से हम करा रहे हैं, नोट्स आर अवेलेबल. जो मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स अवेलेबल होंगे. देर आर नंबर्स कमिंग ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर्स. और अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए, जिस तरह आप सब कुछ लेना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, जिस तरह अभी हम नाउन की टाइप्स पढ़ें और आपको नाउन की टाइप्स नहीं आती हैं, सो वी हैव मेड दिस थिंग ईजी फॉर यू कि आप कोई एक बुक ना लें. जो नोट्स हमने दिए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नाउन्स नहीं आते, कुछ ऐसे हैं जिनको फोनिक्स नहीं आती है, और बाकी जिन कुछ ऐसे हैं जिनको सिंगुलर प्लूरल नाउन के रूल्स चाहिए. तो आप उनको सिर्फ फ़ोन करके बता सकते हैं कि ये जो सिंगुलर प्लूरल नाउन है, मुझे उसके नोट्स चाहिए, तो आपको वो मिल जाएंगे. अगर आप फ़ोन करके कहेंगे कि मुझे नाउन्स के नोट्स दे दें, तो आपको वो मिल जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू गो फॉर द होल बुक, बिकॉज वी नो बुक्स आर लिटिल एक्सपेंसिव, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन करके बता सकते हैं हमें कि आपको कौन से नोट्स चाहिए, वो आपको ऑफिस से मिल जाएंगे. आज की एपिसोड के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच.